सो अभी आप लोगों ने जो एलिवेशन देखा उसी एलिवेशन का हमने ये प्लान ड्रॉ किया है। सो आज का जो हमारा प्लान है 20x35 स्क्वायर फीट का एक हाउस प्लान है जिसमें कि हमने एक 2BHK प्लान किया था। सो चलते हैं प्लान की तरफ और देखते हैं उसको डिटेल में। सो ये हमारा आज का प्लान है। फर्स्ट हमारे इसकी जो विड्थ है वो 20 फीट की होगी एंड हमारी इसकी जो लेंथ है वो 35 फीट की होगी। फर्स्ट हमने फ्रंट में यहाँ स्टेप्स प्रोवाइड किया है। यहाँ स्टेप्स हम ऊपर आएंगे हमारे सीट आउट एरिया के अंदर। इस सीट आउट का जो हमारा साइज होगा वो 10 फीट बाय 4 फीट का होगा जिसमें कि हमारा 10 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 4 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन यहाँ मेन डोर से हम एंटर करेंगे हमारे लिविंग रूम के अंदर। इस लिविंग रूम का जो हमारा साइज होगा वो 9 फीट 6 इंचेस बाय 10 फीट का होगा जिसमें कि हमारा 9 फीट 6 इंचेस की विड्थ होगी एंड 10 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन यहाँ लिविंग रूम से हम एंटर करेंगे। इस पोर्शन में हमने हमारा फर्स्ट बेडरूम प्रोवाइड किया है। यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे फर्स्ट बेडरूम के अंदर। फर्स्ट बेडरूम का जो हमारा साइज होगा वो 9 फीट बाय 11 फीट का होगा जिसमें कि हमारा 9 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 11 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन इस पोर्शन में हमने डाइनिंग का एरिया प्रोवाइड किया है। इस डाइनिंग का जो हमारा साइज होगा वो 9 फीट बाय 15 फीट का होगा जिसमें कि हमारा 9 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 15 फीट हमारी इसकी ओवरऑल लेंथ होगी। देन इस पोर्शन में हमने हमारा सेकंड बेडरूम प्रोवाइड किया है। यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे सेकंड बेडरूम के अंदर। सेकंड बेडरूम का जो हमारा साइज होगा वो 9 फीट 6 इंचेस बाय 9 फीट 6 इंचेस का होगा जिसमें कि हमारा 9 फीट 6 इंचेस की विड्थ होगी एंड सेम 9 फीट 6 इंचेस हमारी इसकी लेंथ होगी। देन इस पोर्शन में हमने हमारा किचन का एरिया प्रोवाइड किया है। यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे किचन एरिया के अंदर। इस किचन का जो हमारा साइज होगा वो 9 फीट बाय 9 फीट का होगा जिसमें कि हमारा 9 फीट इसकी विड्थ होगी एंड सेम 9 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। इस किचन से ही अटैच हमने एक वॉश एरिया प्रोवाइड किया है। इस वॉश एरिया का जो हमारा साइज होगा वो 7 फीट बाय 9 फीट का होगा जिसमें कि हमारा 7 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 9 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन इस पोर्शन में हमने कॉमन टॉयलेट बाथ प्रोवाइड किया है। इसका जो हमारा साइज होगा 4 फीट बाय 7 फीट का होगा जिसमें कि हमारा 4 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 7 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। इस प्लान में हमने जितने भी डोर्स प्रोवाइड किए, जितने भी डोर्स को हमने डी से डिनोट किया है, जो हमारा मेन डोर है इसका जो हमारा साइज होगा वो 3 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 8 फीट इसकी हाइट होगी। जितने भी डोर्स को हमने D1 से डिनोट किया है इन सभी डोर्स का जो हमारा साइज होगा वो 3 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 7 फीट इसकी हाइट होगी। इस प्लान में हमने जितने भी विंडोज़ प्रोवाइड किए हैं, जितने भी विंडोज़ को हमने W3 से डिनोट किया है, इन सभी विंडोज़ का जो हमारा साइज होगा वो 4 फीट इसकी विड्थ होगी एंड सेम 4 फीट इसकी हाइट होगी। जितने भी विंडोज़ को हमने W2 से डिनोट किया है, इन विंडोज़ का जो हमारा साइज होगा वो 3 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 4 फीट इसकी हाइट होगी। इस प्लान में हमने जितने भी विंडोज़ को V से डिनोट किया है इसका जो हमारा साइज होगा वो 2 फीट इसकी विड्थ होगी एंड सेम 2 फीट इसकी हाइट होगी। इस प्लान का हमारा जो ओवरऑल एरिया होगा वो 700 स्क्वायर फीट का होगा एंड हमारा इसका जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 lakhs के अराउंड आएगा क्योंकि वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। सो ये था हमारा आज का प्लान जो 20x35 स्क्वायर फीट का एक हाउस प्लान था जिसमें कि हमने एक 2BHK प्लान किया था।